फिलहाल दादाजी के हम घर पे मौजूद है और दादाजी का भी यही कहना था कि जो आवाज़ है फिलहाल वो हमें नहीं मिला है, तो हम इसी के सिलसिले में फिलहाल इनके घर पे हम आ गए कि हम पूरी जानकारी जो है वो सरकार को दिखाएंगे। इनकी इनका ये भी कहना है कि जो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है वो काफ़ी बदतर है, क्योंकि जो बनी हुई है टंकी उसमें पानी फिलहाल इनको प्रोवाइड अभी तक नहीं किया गया। जी दादाजी, ये आपका घर है ये? हाँ साहब, हम ये घर हमारे है। अच्छा, हाँ। इसी झोपड़ी में आप रहते हैं? हाँ, इसी झोपड़ी में। देखा आप, पानी की निकाल कहा जाए तब वहाँ पानी ले आई, न पानी की व्यवस्था बा। हाँ, तो फिलहाल यहाँ जो टंकी लगी हुई है वो नल की व्यवस्था की गई? वो नलव नहीं गड़ा है हमारे यहाँ, टंकी से कोई व्यवस्था नहीं है। टंकी हवा हुआ गड़ी बा, अब यहाँ तक केव केव दुआरे गार जरूर दे हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था कोई नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है। फिलहाल दादाजी का ये कहना है कि जो टंकी गड़ी हुई है वो फिलहाल इनको सप्लाई भी नहीं मिली है, जो नल की टोटी है टोटी हमें कहीं भी यहाँ पे फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। दादाजी इस झोपड़ी में फिलहाल रहते हैं, ये नैन बसेरा यहीं पे करते हैं, क्योंकि ये जो है छप्पर में ये भी बना हुआ है और टीने का जो है ये कैसे अपना करके गुजारा फिलहाल ये कर रहे हैं। ये छप्पर में ये भी रहते हैं और घर इनका फिलहाल गिर गया है। क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, आपको आवास नहीं मिला है? नहीं मिला है, यही कच्चे घर में 7 लड़के हैं लेके रह रहे हैं। माता भर को मिला है, बूढ़ी माँ को। माता को मिला है आपको? बूढ़ी माँ को। अच्छा। वो अलग है, हम अलग हैं, हम दो भाई। अच्छा, आपको पानी की व्यवस्था यहाँ पे मिली है? कुछ नहीं मिला है। टंकी पिछले 3 साल से बनी हुई है? एक पानी भी नहीं, पाइप भी नहीं आया है मेरे दरवाजे पर, देख लीजिए। अच्छा, और क्या समस्या है यहाँ पे आपको? यहाँ समस्या ना, मुझको लैटरिन मिली है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब यही छप्पर है, यही है, और न लैटरिन मिला है, न कोई कोई व्यवस्था ही। हम लोग को नरेगा में है, वो भी 3 महीने का ड्यूटी मिलने के बजाय कहीं 15 दिन लगता है, कहीं लगता भी नहीं है। क्या नाम है आपका? राजू कांत। राजू कांत, आप कहाँ के निवासी है? डिघिया। गाँव डिघिया के निवासी? हाँ। अच्छा, पिछले कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? अरे हो गया 30 साल। 30 साल से आप रह रहे हैं? 30 साल से आप रह रहे हैं, आपको आवास मिला? ना, आवास नहीं मिला, वो भी घर एकदम उसमें पानी आ जाता है कच्चे में, और ये कच्चा घर गिर गया। अच्छा, ये कच्चा घर था पहले? हाँ, जो गिर गया है। हाँ, ये मड़ाई इसमें लगा दिए सिर्फ लकड़ी रखने के लिए, और न पानी न लैटरिन कोई व्यवस्था, नरेगा भी नहीं। अच्छा, सरकार की तरफ से आपको ये लैटरिन वगैरह का भी नहीं मिला है कुछ? न, कभी नहीं मिला न 30 सालों में? न। अच्छा अच्छा, आपको पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था बहुत दूर है। बहुत दूर है? हाँ। कितना किलोमीटर जाते हैं पानी? आज दो नीब दिखा रहे, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाते हैं पानी लेने के? अच्छा, मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इनकी जो समस्या है वो भी आवास से लेकर है, और पानी को लेकर है, और जो टॉयलेट है वो उससे लेकर है, किसी प्रकार को फिलहाल ये 30 साल से, इनका कहना है कि 30 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको जो है किसी प्रकार का सरकार की तरफ से जो है वो योगदान कुछ भी नहीं मिला हुआ है। ये परेशान है, और हमारे जैसे कि यहाँ पे ये क्या नाम है आप, क्या बता? संजय, उनके भाई संजय से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इनको जो है इनको भी यही प्रॉब्लम है, आवास नहीं मिला है, और इनके जो माता उनको फिलहाल आवास मिला हुआ है, तो वो फिलहाल अलग है, इस वजह से इनकी फैमिली जो है वो अलग हो गई है, और माताजी वो अकेले आवास में फिलहाल वो रहती है। इनको भी यही समस्या है, जो कि आवास नहीं मिला हुआ है। ये आंख से दरअसल दिव्यांग भी है, तो इनको जो है मिलना चाहिए आवास, हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं। फिलहाल इनसे भी जानकारी लेते हैं, कब, क्या नाम है आपका? शिवशंकर। शिवशंकर, कब से आपको फिलहाल आवास नहीं मिला है? अरे काफी दिन, 20-22 साल है, जर्नलिस्टी में कोई नहीं मिल रहा है मेरे को, कुछ नहीं। अच्छा, जब आप जाते हैं फॉर्म वगैरह भरने के लिए? अरे यहाँ पर लिख पढ़ के ले लेते, बस नौबे न करो दबी जैसे, पता नहीं कहाँ। हाँ, लिख पढ़ के लेके जाइए कि यहाँ ठीक है। फॉर्म देते हैं हर बार आप? हाँ, फॉर्म तो जाता है। अच्छा, फॉर्म देते हैं लेकिन वहाँ से जो है काट दिया जाता है? काट दिया जाए, पता नहीं कहाँ, मतलब से गदारा से कटा था कि रास्ता में आके कटा था, राम जानी। और क्या समस्या है आपको? आज समस्या सब सही है, बस ये थोड़ा सा पेंशन बदल टॉयलेट टॉयलेट 1 फीट का गड्ढा वाला मिला हुआ है। अच्छा, वो मिला है आपको? हाँ, सरकार की तरफ से? हाँ। अच्छा, और क्या नहीं मिला है आपको? आप कुछ नहीं मिला है भी। अच्छा, यहाँ पे लोगों का कहना है कि गल्ले की भी समस्या है, तो क्या गल्ला आधा जब जनवरी हो गया, अभी गल्ला इस महीने का नहीं, सब सब गाँव को मिल गए हैं, गाँव कहते अभी गल्ला ही नहीं आई हुआ है, गल्ला ही नहीं, वो अभी आया ही नहीं है, आया नहीं है। अच्छा, हाँ, तब वही पीछे का कर बोल जाए लवटी आवाज जाते हैं। हाँ, ये पानी की व्यवस्था की बात, पानी तो सामने सरकारी चापाकल है, वाली बात। अच्छा, नहीं है,
पानी की व्यवस्था है आपके पास और टॉयलेट की व्यवस्था है फिलहाल, जो आपका आवास है फिलहाल वो अभी आपको सरकार की तरफ से नहीं नहीं आजा आजा पर पाजा मर गए भाई, आज तक का कोनो निशान ही नहीं। फिलहाल एक शख्स और मौजूद है हमारे साथ, हम थोड़ी सी जानकारी जो है लेंगे कि क्या फिलहाल आपको आवास मिला है? नहीं, पिछले कितने साल से नहीं मिला है आवास? अरे बहुत दिन हो गए, कभी कभी से नहीं मिला है। टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट पता नहीं किसी तरह से वो मिल गया थोड़ा बहुत। अच्छा मिला है टॉयलेट? हाँ। अच्छा अब वही अगर नल की बात करें तो नल की सप्लाई जैसे कि यहाँ कई लोगों के यहाँ हो गई है, आपके यहाँ हुई है? बिल्कुल भी नहीं है, सब ठप पड़ी है, जो है कि वो टंकिया जो है सब चू रही है, कोई नहीं उसका जिम्मेदार है। अच्छा पिछले कितने साल से पानी नहीं आ रहा है आप? अरे कभी भी नहीं आया जीवन में। कब कितने साल हो गए टंकी बने? अरे ज्यादा दो साल तीन साल बस। फिलहाल आवास की आपको तो कोई सुविधा ही नहीं मिली है? नहीं नहीं नहीं। कई रामनिधि से जो है मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इनका जो है ये भी उसी छप्पर में और सीट में जो है ये फिलहाल रहते हैं, और इनका कहना ये भी है कि इनको जो है यहाँ पे ग्राम प्रधान के द्वारा जो है किसी प्रकार का आवास और टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट फिलहाल इन्होंने कहा कि टॉयलेट हमें मिला है, लेकिन नल की बात करें वहीं तो जो है टंकी तैयार कर दिया गया है लेकिन नल की जो सप्लाई है कुछ कुछ जगहों पे है, और इनके फिलहाल घर पे इनका साफ कहना है कि इनके घर पे फिलहाल नल की सप्लाई नहीं हुई है। हमारे साथ एक महिला जो है वो जुड़ी हुई है, काफ़ी परेशान है, हम इनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे इनको क्या सुविधा मिली है सरकार की तरफ से और क्या अभी तक फिलहाल नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? हमारा कि हमारे नाम से खोकर नाम से पता क्या नाम है आपका? चमेला देवी। चमेला देवी जी आपको फिलहाल क्या यहाँ पे नहीं मिला है? रोड का है, क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या है? समस्या बहुत खराब चलता है। क्या खराब चल रहा है? ये चल रहा है कि न पानी के साथ न लैटरिन मिली न कुछ मिली कुछ तो... आवास मिला है सरकार तरफ से? सरकार तरफ से मिला है। ये घर आपका कब गिरा है? ये तीन साल हो गए गिरे, एक गवा न एक पैसा नहीं है। इसका कोई पैसा आपको नहीं मिला है? नहीं, लाई जाए के लाई के रहे नहीं मिला। आवास मिला है ना आपको? आवास तो कहिए कि मिला बट तो हम क्या मिला? नल की व्यवस्था की हमारा नल आपको मिला है? नल आपको मिला है? नल की नहीं 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 नल मिला है। टॉयलेट मिला है आपको? टॉयलेट माने वो भाई लैट्रिन, लैट्रिन मिला है आपको? नहीं वो भी नहीं मिला। नहीं नहीं कुछ नहीं मिला। आपका बाल कुमार? बाल गोविंद? बाल कुमार। बाल कुमार कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? नौ में। कहाँ पढ़ने जाते हैं? जी आई से। अच्छा आपको क्या समस्या आती है वहाँ पे? क्या समस्या आती है जब पढ़ने जाते हैं आप? हाँ। पढ़ाई लिखाई होती है? हाँ होती है। अच्छा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मिडिल में। अच्छा मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। अच्छा आपको वहाँ पे समस्या कुछ है? नहीं कुछ नहीं समस्या है, पढ़ाई होती है। हाँ। अच्छा ठीक है। तो फिलहाल ये हमारे साथ बूढ़ी माँ हैं और इनके जो ये दो नाती हैं, फिलहाल इनकी इनका परिवार जो है यही है आपको बता दें सबसे पहले, उसके बाद ये हम बताएंगे आपको जो इनका भरण पोषण है वो फिलहाल यही करती हैं। तो आप आपकी एज क्या है फिलहाल? कितने आयु की हैं आप? हम हाँ। हम कितने? 70 के है। 70 साल की इनका कहना है, बताइए 70 साल की अवस्था में कौन करता है? और ये फिलहाल ये जो है जगह जगह पर जाती हैं, इनका कहना है कि 100 रुपये 150 रुपये 200 रुपये जो जैसा जो दे देता है इनको। क्या करी मालिक, जैसे ही पेड़ पर्दा चलाए कि इसके जियाए खियाए के हाँ, जो मजदूरी पाओ तो लाई लिया कि चलते इतना ले चलते आज कमा लिया चलते ही खाओ इतना काल खिया कमाई का करी। हमारे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला जी आप फिलहाल ये बताइए कि सबसे पहले आपको यहाँ पे सुविधा क्या क्या मिली है? हमके तो कुछ नहीं मिला बा। कुछ नहीं मिला है? अच्छा क्या क्या नहीं मिला है कुछ बताइए। नला टिंगा मिला बा ना, उसका कहते कलोना मिली बा। हाँ। और पानी पानी अंतर भरी था। हाँ। पानी की भी यहाँ पे सप्लाई नहीं मिली है? अच्छा, कितने साल से आपको जो है यहाँ पे? बेटवा का कभी विकलांग है। अच्छा ये आपको दरअसल हम आपको बता दे कि इनके अकेले आपके बच्चे हैं ये? हाँ ये घर ये अकेले हैं फिलहाल और इन ये दिव्यांग हैं और ये पैर से फिलहाल दिव्यांग हैं, हम आपको ये बताना चाहेंगे। और ये जो है इन आपके जो हस्बैंड हैं जो आपके पति हैं वो कहाँ रहते हैं? लेबराना करते हैं। अच्छा मजदूरी करते हैं। अच्छा
फिलहाल वो अभी मजदूरी पे ही गए हैं? हाँ, मजदूरी पे गए। अच्छा, तो कहाँ पे काम करते हैं वो? गाँव में गए हैं। गाँव में ही काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिलहाल इनका कहना ये भी है कि इनके इनके जो हस्बैंड है, जो पति है, वो फिलहाल काम पे गए हुए हैं, मजदूरी पे। कितना पाते हैं वो? 300। 300 रुपए? अच्छा, 300 रुपए। फिलहाल जब जाते हैं तो वो रोज जाते हैं? कब हो जब। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि बजट फरवरी में जो है पेश हो जाएगा, और बजट में जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो फिलहाल महंगी हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन इनकी जो मजदूरी है फिलहाल 300 रुपये है, और 300 रुपये कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है। तो आपको बता दें, हफ्ते में कितने बार काम करते हैं वो? 4 दिन 5 दिन 3 दिन 4 दिन किए हैं। तो ऐसा हुआ कि वो हफ्ते में उनको काम ना मिला हो? ना, कभो तो नहीं मिलते काम, 15 दिन महीना खान, 2 महीना ऐसे भी। फिर कैसे चलता है घर? ऐसे ही चलाते हैं अपन। हाँ, एक दिन कम। हाँ, अब केहू के मांगब तो केहू दे थोड़ी। अच्छा, आपको यहाँ पे गल्ला वगैरह मिलता है? हाँ, गल्ला तो मिलता है। अच्छा, मतलब हर महीने मिलते हैं? हाँ, महीना में। किस महीने की बात करें तो? महीना में तो नहीं मिला। महीने में बिल्कुल नहीं मिला है। नल की सप्लाई की बात करें तो कई यहाँ इस गांव में फिलहाल कई जगहों पे जो है नल की सप्लाई हो गई है। आपके यहाँ बात करें तो आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, नल की सप्लाई नहीं हुई है। कितने साल से टंकी बनी हुई है? अरे हो गया 8-9 साल हो गया बनवाया ना भाई, 3-4 साल हो गया। 3 से 4 साल हो गया, लेकिन यहाँ पे पानी की सप्लाई फिलहाल नहीं है। पानी तो अंदर हम सब अंत भरी था, पानी मिला था। टॉयलेट आपको मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला आवास टॉयलेट बिल्कुल कुछ नहीं मिला। उर्मिला देवी के मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि ये इनका परिवार जो है इस छप्पर में फिलहाल रहता है, और इनको जो है किसी प्रकार का जो आवास है वो नहीं उपलब्ध कराया गया। पिछले कितने साल से आपको नहीं मिला है ये? 18 साल हो गया है। 18 साल में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आप फार्म वगैरह भरी थी? हाँ, फार्म भरे है। अच्छा, कब? जब हर बार जैसे प्रधान बनते हैं तो हर बार भरती हैं? हाँ, हर नया भरते। तो किसी में जो है वो एक्शन नहीं लिया गया? नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। फिलहाल हम मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बता दें कि ये जो है हर बार जब ग्राम प्रधान फिलहाल बनते हैं, हर बार ये जो है फॉर्म को भरती हैं, लेकिन जो है वहाँ से इनका जो नाम है वो फिलहाल काट दिया जाता है। एक बार भी फिलहाल इनको जो है वो आवास फिलहाल नहीं मिला हुआ है। इस छप्पर में ये फिलहाल रहती है, और इनके एक बच्चे हैं वो दिव्यांग है पैर से, तो इनको जो है सुविधा हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि मिलनी चाहिए फिलहाल इनको, क्योंकि ये इनका परिवार बहुत कष्ट में फिलहाल है। मैं ये भी साफ कह दूं, क्योंकि ये इनके पास ना तो नल की सप्लाई है, और ना ही इनको आवास मिला है, और ना ही इनको टॉयलेट मिला है। यहाँ के प्रधान से भी उम्मीद करेंगे कि वो जो खाते में जो आपके पैसे आते हैं उसका दुरुपयोग ना करें, उसका उपयोग करें, ताकि जो गरीबी है वो गरीबी जो है दूर हो पाए। आपको बता दें, जितने लोग से फिलहाल हम बात किए थे वहाँ पे, सभी के घर पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो हमें लगा कि जो है इनकी बातों से जो है वो लगा कि हमें देखना चाहिए, क्योंकि इनको इनका सच जो है यहीं से पता चलेगा, इनको मिला है कि नहीं मिला है। दादाजी, आपको पिछले कितने साल से यहाँ पे जो है आवास नहीं मिला है? अरे, हमें तो कभी नहीं मिला आवास, 50 साल हो गया मगर कभी नहीं मिला हमको आवास। अच्छा, वहीं हम अगर टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट आपको मिली है? नहीं यार, नहीं मिला। नहीं, एक खेत बनाए थे मगर 10 मिनट बना के गिर गया वो। हाँ, नाली की बात करें तो नाली वगैरह यहाँ पे बनी हुई है? नहीं नहीं, नाली नहीं है। नाली नहीं है। नल की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे गांव में जो है सभी के घर पे नल की सप्लाई हो गई है, जहाँ तक मैंने देखा अभी तक। कुछ कुछ घर है जो वहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन नल की सप्लाई होने से यहाँ आपको बता दें कोई वो नहीं है, फायदा नहीं है, क्योंकि पानी भी आना जरूरी है। नल की सप्लाई से कोई मतलब नहीं है, सप्लाई कर दिया जाएगा, पानी नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो गरीब है वो उम्मीद लगा के फिलहाल बैठे हैं कि उस नल से जो है पानी आए, लेकिन उम्मीद पे पानी फिर गया है। हम आपको ये भी बता दें कि उम्मीद पे पानी फिर गया है, 3 सालों से नल की सप्लाई फिलहाल हो गई है, लेकिन नल यहाँ पे बस आसरा लगाए हुए हैं, पानी की कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल। आपका नाम क्या है दादी जी? राजकुमारी। पिछले आप कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? अरे, हम आचे कहते बुढ़ाई आवत है। अब कितने साल आपको, आपकी एज क्या? 60 साल। आपकी आयु क्या है? 60 साल। 60 साल। 60 सालों में आपको बता दे, किसी प्रकार का आपको आवास मिला? नहीं नहीं मिला। नहीं।
कभी नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, ये खपड़ा ही है, इसी में रहते हैं। हाँ, कितने है। परिवार हैं आप टोटल? 18-19 परिवार हैं। अच्छा, 19 परिवार। 19? हाँ, पूरे मिला के 19। हाँ, टोटल 19 परिवार है। यहाँ देखो ना, एक कोई सौरजा है, कम से कम यहाँ 5,000 आदमी है, मगर यहाँ कोई वही नहीं है, कोई चीज नहीं है, न एक सौरजा है। हर जगह आपको बता दें कि कुछ कुछ खंभे में जो है वो यहाँ पे लाइटें जो है वो लगी हुई हैं, हम साफ देखे हैं, लेकिन इस गांव यहाँ पे इस मोहल्ले की बात करें तो इस मोहल्ले में जो है किसी प्रकार का हमें अभी तक किसी खंभे में जो है वो लाइट नहीं दिखा है, ये हम आपको बता दें साफ साफ। हाँ, यहाँ न लाइट है, न पानी की व्यवस्था है, न नाली का है, कोई व्यवस्था यहाँ नहीं प्रदान किया है, कोई साधन नहीं है, अंधेरे में आदमी रहते हैं। अच्छा, जब आज तक जब तक प्रधानी नहीं भई रही तब तक पहले गिरे रहे, और जब से प्रधान हो गए तब तक आए नहीं, यहाँ दर्शन देने नहीं आए। हाँ, पूरे गांव में सौर ऊर्जा लग गया है, मगर हमारे यहाँ चुनौ की 5,000 आदमी हैं, एक भी लाइट नहीं है। हाँ जी, हम जाते हैं तो कहता है कि आता हूँ, मगर जब चले जाते हैं तो कहाँ आता हो, नहीं आता। आप आश्रय लगा के बैठे रहते हैं, वो आते नहीं? हाँ, आते नहीं हैं, हम लोग तो आश्रय लगा के यहाँ बैठे हैं और आता नहीं है। हाँ, मोहल्ले के जायजा भी लेने नहीं आते हैं कि कौन कैसा क्या कर रहा है, कौन कैसा है, हाँ कौन मर गया, कौन जिंदा है। हाँ, यहाँ नहीं आती हूँ। कितने साल से प्रधान बने हैं वो? 3 साल हो गया। 3 साल? हाँ, लेकिन 3 सालों में अभी तक नहीं दर्शन दिए, वो कभी नहीं आए। वोट मांगने आए थे? वोट से मांगने आए थे, वोट मांगने के लिए तो पैर गिरते थे। अच्छा, और जब जीत जाते थे तो यहाँ दर्शन नहीं देते, हम तो क्या करूँ हम लोग। हाँ, कोई जबरी तो है नहीं, देगा तभी लेंगे, मगर आता नहीं है दर्शन देने, तो हम लोग क्या करें भाई, मजबूरन पड़े हैं। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक दादाजी, आपका नाम क्या है? सिद्ध नारायण। सिद्ध नारायण, दादाजी का नाम सिद्ध नारायण है और माताजी आपका नाम? राजकुमारी। राजकुमारी, दोनों लोग से फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इनको जो है किसी प्रकार की, फिलहाल ये 60 या 70 साल से फिलहाल यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन इनको जो है किसी प्रकार की आवास की व्यवस्था जो है वो नहीं मिली है। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पे जो है इनके घर पे भी यही समस्या है कि जो नल की सप्लाई है वो फिलहाल इनके घर पे नहीं देखी गई है। हम कहीं भी आपको दिखा दें कि यहाँ पे जो है नल की सप्लाई फिलहाल हमें अभी तक तो नहीं दिख रही है। सीट में फिलहाल ये इनका परिवार जो है 19 इनके फैमिली में लोग हैं टोटल, और 19 फैमिली में सारी जो 19 फैमिली है फिलहाल यहीं पे रहती है। और कितने लोग काम करने वाले हैं दादाजी? काम तो 4 आदमी हैं। हाँ, कहाँ है वो 4? मजदूरी है करने गए। मजदूरी करने? हाँ, कितना मिलता है उनको? मिलता है अब 300-250, 200, कोई निश्चित नहीं है कि इतना मिलता है। फिलहाल 4 इनके लड़के हैं और चारों लड़कों जो है वो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, कोई 200, कोई 300, कोई 250, ऐसे ही फिलहाल यहाँ पे जो है वो कमाते खाते हैं। तो जीवन फिलहाल ऐसे ही इनका चल रहा है और इनको जो है किसी प्रकार की सुविधा फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं मिली है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं फिलहाल इनको जो है वो सुविधाएं सारी दी जाएं ताकि इनकी जो गरीबी है वो फिलहाल दूर हो पाए। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी, आशा देवी जी, आप पिछले कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं अभी? हमको तो 15 साल हो गया। 15 साल में आपको यहाँ पे आवास वगैरह कुछ मिला? आवास तो हमको नहीं मिला है। हाँ, किसको मिला है घर में? किसी को मिला है आपको? हाँ, हमारे घर में जेठाउत पाए हैं। अच्छा, तो आप फिलहाल वो तो अलग होंगे? हाँ, वो सब अलग हैं। लेकिन आपने फार्म वगैरह भरा था कुछ? हाँ सर, भरा था, लेकिन वो कट गया कॉलोनी। अच्छा, तो कितने साल से आप फार्म भर रही हैं? अरे हमें 3-4 साल हो गया। 3-4 साल से फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन आवास कोई यहाँ पे उम्मीद नहीं है? नहीं, नहीं। अच्छा, आपको वही नल की सप्लाई की बात करें तो नल की सप्लाई मिली है आपको? नहीं, नहीं मिली है। जैसे कि आपको बता दें कि यहाँ कई जगहों पे जो है नल की सप्लाई फिलहाल मिली है, लेकिन कई लोगों को फिलहाल यहाँ पे मिली है, लेकिन आपका कहना है कि आपको नल की यहाँ पे सप्लाई भी नहीं मिली है। टॉयलेट की बात करें तो? टॉयलेट नहीं है सर। टॉयलेट भी नहीं मिली है? कितने साल से नहीं मिला है टॉयलेट? टॉयलेट तो हम जब से मतलब शादी हुई है 15 साल हो गया, हमको नहीं मिला है। 15 साल से जेठाउद लोग पाए हैं, वहीं में मतलब गुजारा हो रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब दूसरा अलग भी लग है, हरक देंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, बताओ भैया। बिल्कुल,
फिलहाल ये भी इनका भी कहना यही है कि ये भी छप्पर में ही रहती है। फिलहाल खाना इनका देखिए यहाँ पे बनता है। और इनका कहना ये भी है कि अच्छा जानकारी हमें चाहिए कि आपको यहाँ पे किसी प्रकार की सरकार की तरफ से कुछ मिला है? नहीं सर। सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर है, मिला है सिलेंडर। हाँ, आपको उससे खाना वगैरह? हाँ, सिलेंडर वहा है, सिलेंडर पाई हूँ सर, ये झूठ नहीं बोल। कब मिला था? साल भर हो गया। एक साल हो गया। हाँ ठीक है। फिलहाल इनको उज्ज्वला के जो माध्यम से इनको सरकार, जो प्रधानमंत्री हमारे जो निकाले थे उस योजना के तहत इनको जो है एक सिलेंडर और चूल्हा फिलहाल इनको मिला हुआ है। और ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एके न्यूज़।